देखते हुए सुशांत पारिक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, सीएम का ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला, महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में भी लोगों को मास्क लगाना जरूरी होगा। नमस्कार, रिपोर्ट एक्सकोलॉजी डॉट कॉम में आपका स्वागत है और मैं हूँ कुलदीप शर्मा। आपने वीडियो देखा शुरुआत में, राजस्थान में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। जैसा कि मैंने सभी अपने साथियों दोस्तों को कहा था, जितने भी मेरे दर्शक हैं उनको कहा था, अभी हम मास्क को लेकर राजस्थान में जो डिसीजन लिया गया है उस पर हम सवाल करेंगे। सवाल इसलिए क्योंकि सवाल अगर सत्ता पक्ष के साथ किया जाए तो वो सवाल होता है, और अगर विपक्ष के साथ सवाल किया जाए तो वह या तो मीडिया की कमजोरी होती है या वो असल में उनसे सवाल सत्ता पक्ष करने की हिम्मत नहीं रखता है। सवाल करूंगा, लेकिन सवाल के साथ साथ फिर भी आप लोगों से सबसे पहले अपील यही करना चाहूंगा कि कोरोना वायरस को लेकर जितने भी एहतियात WHO या स्वास्थ्य मंत्रालय या CM जो भी आदेश करते हैं उनका पालन करें, ये हमारी तरफ से अभी अपील है। लेकिन सवाल करना अपनी जगह है और अपील करना अपनी जगह है। राजस्थान में मास्क अनिवार्य का अचानक फैसला आया और पूरे प्रदेश में इस बात की हवा होने लगी भी आखिर मास्क कैसे पहने या क्यों पहने। चलिए कुछ फैक्ट पे बात करेंगे और सवाल खड़े करते हैं इस मास्क को लेकर। शहर में जाए तो मास्क पहन कर जाए, वरना कानूनी कार्रवाई होगी, ये आदेश आए हैं आज। कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश DGP को दिए गए हैं और DGP ने तमाम जिले के SP यानी पुलिस कप्तानों को दिए हैं। एक तरफ तो मास्क लगाना अनिवार्य हो रहा है और दूसरी तरफ एक्सपर्ट का कहना है कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए मास्क लगाना जरूरी नहीं है। अब इसकी मानी जाए या इसकी मानी जाए, इसकी और इसकी में मतलब ये होता है सरकार या एक्सपर्ट। रुको रुको, जरा थोड़ा सा रुको, हम आपको WHO का एक बयान भी सुना देते हैं। WHO ने क्या कुछ कहा है मास्क को लेकर। WHO ने एक बात स्पष्ट कर दी है, मैं आपको बता देता हूं। WHO का दावा है कि कोरोना से नहीं बचा सकता फेस मास्क, क्योंकि मास्क पर भी काफी कुछ जो है सामने आया है, भी वो मास्क आपको नहीं बचा सकता। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO क्या कुछ कहता है वो हम आपको बता देते हैं। कोरोना वायरस निपटने के लिए सिर्फ मास्क पहनना ही काफ़ी नहीं है। इस बीमारी ने दुनिया भर में 70,000 से ज़्यादा लोगों की जान ली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम यानी ग्रेब्रेशन ने कहा है कि मास्क को सिर्फ बचाव के तौर पर पहना जा सकता है, यह कोई हल नहीं है। सिर्फ मास्क पहनने से COVID-19 बीमारी को नहीं रोका जा सकता। अब WHO का ये बयान और इस मास्क पे कहीं ना कहीं भारी पड़ता है, लेकिन चलिए छोड़िए, सरकार का आदेश है मान लेते हैं। राजस्थान की जनसंख्या की बात करते हैं। राजस्थान में करीबन 7.5 करोड़ लोग है। ये मैं नहीं कह रहा, जब हम जनसंख्या को लेकर गूगल पे सर्च कर रहे थे तो एक क्यूरा नाम की वेबसाइट आई, उस वेबसाइट पे 7.5 करोड़ लिखा हुआ था। हालांकि हमने काफ़ी बार CM के प्रेस नोट भी देखे हैं जिसमें भी 7.5 करोड़ लोग लिखा आता है और करीबन ये आता है भी 5 करोड़ की हमने स्क्रीनिंग कर ली है। मतलब 7.5 करोड़ की आबादी है जिसमें से राजस्थान सरकार का दावा है कि 5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग कर ली गई है। उसमें से जो पॉजिटिव थे, पॉजिटिव नहीं है वो वगैरह वगैरह, जिनका इलाज चल रहा होगा, कुछ होम आइसोलेशन में होंगे, कुछ क्वारंटाइन में होंगे। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है भी बचे 2.5 करोड़ लोग कौन हैं, आप हो, मैं हूँ या कोई और। वो 2.5 करोड़ लोग कौन हैं और जिन्हें 5 करोड़ का जो स्क्रीनिंग कर ली गई है वो कौन है, सवाल खड़ा होता है। अगला सवाल हम आपको बताते हैं भी, सवाल कई जगह से उठे हैं कि हमारे यहाँ कोई नहीं आया। शायद आप जब मेरा ये खबर देख रहे होंगे तो आपके मन में भी यही सवाल गूंज रहा होगा, यार हमारे यहाँ भी कोई नहीं आया। तो दोस्तों ये हकीकत है,
स्क्रीनिंग किसकी की गई है? हो सकता है स्क्रीनिंग की गई हो, लेकिन हम उन 2.5 करोड़ लोगों में हो जिन तक अभी तक चिकित्सा विभाग या सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा हो, लेकिन हम हो सकता है लाइफ टाइम वही 2.5 करोड़ रह जाए। तो जाहिर सी बात है सवाल उठता है भी आखिर वो 2.5 करोड़ लोग कौन हैं। चलो इसको भी छोड़ देते हैं आपके लिए गहलोत जी, छोड़ देते हैं, लेकिन बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो ये होता है भी घर में जो आइसोलेशन में है, जो होम आइसोलेशन में है, उन पे पहरा कौन कर रहा है? बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो हम चला चुके हैं, बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो हमारे आसपास हो रही है, वो व्यक्ति खुला घूम रहा है। एक तरफ तो सरकार ये कहती है भी सामाजिक दूरी बनाने के लिए उसके घर के बाहर एक पोस्टर या एक बैनर लगा दिया जाता है ताकि आसपास के पड़ोस के लोग ये समझ जाए भी ये बाहर से आया है या किसी भी तरीके से इसे चिकित्सा विभाग ने अपनी देखरेख में घर पे होम आइसोलेशन करने को कहा है। दूसरी तरफ कुछ जिलों के जिला कलेक्टर ये आदेश निकालते हैं कि पड़ोसी की शिकायत नहीं करोगे, अगर पड़ोसी की शिकायत करोगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। या तो गहलोत जी आप ये कह दीजिए भी होम आइसोलेशन कर दीजिए और उसके बाद उसको खुला घूमने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब पड़ोसी शिकायत नहीं करेगा या पड़ोसी उसको रोक टोक नहीं करेगा या उसको परेशान नहीं करेगा तो वो सामाजिक दूरी कैसे बना पाएगा। आपका पहरा कितना सजग है वो हम जानते हैं, क्योंकि पहरा हमें पता है हर व्यक्ति पे पहरा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी आपको बता दें आपकी चिकित्सा विभाग की टीम होम आइसोलेशन वाले बंदे से बहुत कम मिलती है। एक बार आ गई अपना जो है उन्होंने अपना काम पूरा किया, पोस्टर लगाया, उसके बाद इतिश्री, उसके बाद उसे कोई मतलब नहीं है, वो बाहर जाए घूमने जाए फिरने जाए या घर वालों के लिए सारा सामान वही लेकर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल यहाँ पर भी खड़ा होता है, यहां आपको ध्यान देने की आवश्यकता थी, मास्क इसके बाद आ सकता था। दूसरी तरफ कलेक्टरों के जो आदेश है वो हमने आपको बता दिए हैं। इस पर भी तो सवाल खड़ा होता ही है, जैसा आपने कहा सवाल इसलिए है क्योंकि हम अब भारत में दूसरे नंबर के राज्य बन गए हैं। हमें खुशी होती है अगर हम भारत में बहुत ऊंचा नाम करते और हम दूसरे नंबर पर नहीं 10वें नंबर पर होते तो भी हमें गर्व होता भी हमारा राजस्थान 10वें नंबर पे है, लेकिन आज थोड़ा सा गलत महसूस हो रहा है कि हम पूरे देश में अब दूसरे नंबर की स्टेज पर आ गए हैं जहां पे कोरोना वायरस के संक्रमित के आंकड़े सबसे ज्यादा हैं। चलिए आपको सीएम गहलोत जी का प्रेस नोट पढ़वाते हैं भी आखिर प्रेस नोट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है। प्रेस नोट में लिखा है कि अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए प्रदेश के सभी 196 नगरीय क्षेत्रों यानी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद तथा कृषि मंडियों में अनिवार्य रूप से मास्क पहनना सुनिश्चित किया जाए। तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजस्थान ने कोरोना के नियंत्रण में जो सफलता प्राप्त की है उसे आगे भी कायम रखा जाए। इसकी हेडिंग मैं आपको दोबारा बता देता हूं, हेडिंग थी प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों और मंडियों में मास्क पहनना अनिवार्य, कोरोना की हराने की मुहिम में जनता करे सहयोग, मुख्यमंत्री। ये पूरी आज की सीएम का प्रेस नोट था जो हमने आपको दिखाया, जो आपके मन में सवाल गूंज रहे होंगे भी आखिर मास्क पहनना किसने कहा है, तो हमने आपको सीएम का प्रेस नोट भी दिखा दिया है। आपने ये प्रेस नोट पढ़ा और जैसे मैंने ये प्रेस नोट पढ़ा तभी मेरे पास एक सरकारी वेबसाइट और सरकारी खबर सामने आ गई जिसमें राज्यपाल माननीय राज्यपाल जी ये कह रहे हैं भी छात्र छात्राएं ऑनलाइन अध्ययन कर पल पल का सदुपयोग करें, मास्क नहीं हो तो गमछा दुपट्टा या रुमाल बांधे, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे राज्यपाल। और वहीं उन्होंने कहा कि त्यौहार घर में ही रहकर मनाए, सामाजिक दूरी बनाए रखना आवश्यक है। अब सवाल खड़ा होता है क्या सीएम महोदय जी ये शहरी लोग जिनके पास मास्क नहीं है या मास्क खरीदने के पैसे नहीं हैं तो क्या वो लोग मास्क की जगह रुमाल गमछा साफा पहन सकते हैं? इसको लेकर भी थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है भी आपके पास पैसे नहीं होते या मास्क नहीं होता। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं, ये थोड़ा सा स्पष्ट कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता। फिर भी हम लगातार जब इस पे डिस्कस कर रहे थे, जब हम इसकी पूरी स्टोरी बढ़ा रहे थे, तो हमें लगातार 3 खबरें मिली,
पहली खबर जागरण की थी, दूसरी खबर जनसत्ता की थी, तीसरी खबर दैनिक भास्कर की थी। तीनों रिपोर्टों ने हमें डरा दिया। डराया इसलिए, सोचा ये अब पक्का जेल की हवा खिलाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे भी ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इन रिपोर्टों में एक्सपर्ट ने कहा है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको मास्क पहनना जरूरी नहीं है और मास्क के क्या नुकसान है। तो हमारी तो यही विनती है रे एक्सपर्ट भैया जी और महान आदरणीय डॉक्टर जी, कृपया ऐसी राय आप राजस्थान वासियों को ना दें। इस राय से राजस्थान वासियों को दूर रखें, हमें मत बताएं नुकसान फायदे। आप हो सके तो सीएम साहब को समझाइए, क्योंकि अगर हमें समझाएंगे और अगर हम समझने पे आए तो जाहिर सी बात है कानूनी कार्रवाई होगी और हम जेल की हवा खाए आएंगे। तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें अगर समझने और समझाने की आवश्यकता है तो सीएम महोदय को है। हालांकि जरूरी है मास्क अगर आप पहनोगे तो संक्रमण से कुछ हद तक बच जाओगे, लेकिन WHO ने जिस प्रकार से कहा है ये सिर्फ संक्रमण रोकने का तरीका है, इसका हल नहीं है। चलिए अब सवाल खड़ा होता है तो हो गया, अब सवाल यही खड़ा होता है भी जैसा हम बता रहे थे 7.5 करोड़ की जनसंख्या पूरी राजस्थान में है। अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का हमें अंदाजा नहीं है, फिर भी हम एज ए जिसे हम राजस्थान में कहते हैं भी चलो तुक्का ही लगा लेते हैं, तुक्का लगाते हैं 7.5 में से मान लेते हैं, 7.5 करोड़ में से मान लेते हैं, अभी आधे ग्रामीण हैं और आधे शहरी हैं। अब ग्रामीण वालों को तो ये करने की आवश्यकता नहीं है मास्क पहनने की, चलो शहरी अगर शहरी को लेते हैं तो 3.75 करोड़ लोग इस कैटेगरी में आते हैं कि वो मास्क पहनेंगे। अब आप कह रहे होंगे भी भैया कुलदीप जी आप तो पागल हो, आपको पता होना चाहिए भी कितने जिलों में तो कर्फ्यू लगा है, कितने ही शहरों में जो है सील किए गए हैं काफ़ी शहर जिसमें आदमी क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो आप तो बुड़बक हो आपको पता ही नहीं है। तो हम आपको बता देते हैं, हमने उसका भी इंतजाम कर दिया है। 3.75 करोड़ में से हम 1 करोड़ फिर घटा देते हैं जिन क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा है या जिन क्षेत्रों को सील किया गया है, जिन हॉटस्पॉट एरियो को सील किया गया है उनको भी हम निकाल देते हैं। अब इनको घटाने के बाद 2.75 करोड़ यानी 2.75 करोड़ लोग बचते हैं, इसे तो मानोगे भैया, चलो इसे मान लेते हैं। अगर इसे मानते हैं तो चिकित्सा विभाग कहता है भी एक बार मास्क का उपयोग करने के बाद उसे दोबारा नहीं उपयोग किया जा सकता और ज्यादा से ज्यादा एक मास्क को 6 घंटे उपयोग किया जा सकता है। अब इस पे भी सवाल खड़ा होता है, हर रोज मान लो एक व्यक्ति सिर्फ एक बार मास्क उपयोग करता है, एक बार सिर्फ एक बार, तो 2.75 करोड़ मास्क हर रोज चाहिए होंगे। और अगर 2.75 करोड़ हर रोज मास्क चाहिए होंगे तो सवाल यही खड़ा होता है भी सरकार इतने मास्क कितने में और कैसे उपलब्ध करवा पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सवाल है तो बनता है और सवाल बनेगा भी, सवाल करना भी चाहिए अगर सवाल है तो। अब आपको बता दें, इसके जैसे हम इस खबर को बढ़ा रहे थे तो अचानक BBC की हिंदी की 5 मार्च की रिपोर्ट हमारे सामने आ गई। अब आप सोच रहे होंगे यार अब तो अप्रैल चल रहा है, मार्च की कहाँ बात कर रहे हो। मार्च की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 5 मार्च को थोड़ा बहुत यूँ कह सकते हैं अभी थोड़ा बहुत था भी कोरोना को लेकर शुरुआती दौर था, और शुरुआती दौर में ही साफ तौर पे उस रिपोर्ट पे लिखा गया है भी आखिर मास्क और सैनिटाइजर बाजार से कहाँ चले गए, मतलब स्टॉक हो गए। मास्क और सैनिटाइजर अचानक स्टॉक हो गए, ब्लैक में मिलने शुरू हो गए, रेट बढ़ा दिए गए। तो जाहिर सी बात है अगर राजस्थान में अचानक शहरी क्षेत्र में मास्क पहनना अनिवार्य होता है तो हर रोज 2.75 करोड़ मास्क शहरी क्षेत्र के मेडिकल स्टोरों तक पहुंचाना और उससे पहुंचाने के बाद उस पर निगरानी रखना भी आपने उसे उचित दाम में बेचना है, ये बड़ी विकट समस्या सरकार के सामने आने वाली है। और गहलोत सरकार के सामने ये सवाल भी खड़ा होता है। अब सवाल नंबर आगे वाला ले लेते हैं भी सोशल डिस्टेंसिंग करें या ना करें, और करें तो
तो कैसे करें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग तो आपने अनिवार्य किया है सिर्फ और सिर्फ मास्क, मतलब हम मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग ना करें ऐसा नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी, लेकिन गहलोत सरकार ने भी ये कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है अभी आपके नुमाइंदे, आपके कलेक्टर, आपके SP, आपके प्रशासनिक अधिकारी इस बात को लोगों तक कैसे कितना समझा पाए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करना चाहिए। अगर आप किसी भी ज़िले में औचक निरीक्षक करोगे या किसी भी विभाग में औचक निरीक्षक करोगे तो वहाँ पे उनके चहेते या फिर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ करके वहाँ पहुँच रहे होंगे और वहाँ पे किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है। ऐसे काफ़ी वीडियो या फोटोज अगर आप सर्च मारोगे तो भी आपको मिल जाएंगे, मतलब उन विभागों के ऑफिसों में भी इस प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती। तो आम आदमी से सोशल डिस्टेंसिंग की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। रिपोर्ट एक्सक्लूसिव लगातार सुपर फास्ट में काफ़ी ऐसे मामले दिखा चुके हैं जहां पर पुलिस को जबरन पहुंचकर वहां पे या यूं के वहां पे विरोध दर्ज करवा के या फिर डर के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना पड़ा है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताने की आवश्यकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे की जाए। अब WHO का एक दावा जो हमने आपको बताया भी मास्क कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पहना जा सकता है परंतु ये हल नहीं है इस बीमारी का, तो हम कब समझेंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। अब अगला सवाल और ले लेते हैं। अगला सवाल ये है कि आपकी टीम पूर्ण रूप से फेल है, ये आपको मानना पड़ेगा। फेल क्यों है? क्योंकि गाँव में अभी तक ये भी पता नहीं है कि पंचायत स्तर पर हेल्पलाइन सेंटर है जो काम भी करता है और वहाँ पर आप किसी भी प्रकार की सूचनाएं भी दे सकते हैं, और उन हेल्पलाइन सेंटर में कौन कौन व्यक्ति काम करते हैं और उन व्यक्तियों पे आज तक क्या एक्शन लिया गया है, क्या गांव में ऐसे कोई व्यक्ति घुस गए हैं जो बाहर से आए हुए हैं या प्रवासी हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो रिकॉर्ड या आंकड़ा उनके पास नहीं है, तो उस पर क्या किया जाए, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही होता है भी पहले कोरोना से बचे या मास्क के संक्रमण से। अब मास्क का संक्रमण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बार बार एक्सपर्ट और डॉक्टर बता रहे हैं भी मास्क भी एक बहुत संक्रमित हो सकता है अगर वो 6 घंटे से ज़्यादा या मास्क को सही उपयोग ना किया जाए तो मतलब पहले तो हम कोरोना के बारे में जागरूक कर रहे थे, अब CM गहलोत को अपनी पूरी टीम को ये भी बताने के लिए लगाना पड़ेगा भी आखिर मास्क का उपयोग किया कैसे जाए। आज के लिए बस इतना ही, आज के सवाल इतने ही थे। गहलोत जी, हो सकता है आपको बुरे लगे लेकिन फिर भी हम आपसे कहना चाहेंगे भी हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सवाल इसलिए खड़ा करना था ताकि कुछ व्यवस्थाएं में जो त्रुटियां रह चुकी हैं उन त्रुटियों को सुधारा जाए और आम जन को इस कोरोना वायरस से कैसे निकाला जा सकता है उसके लिए हम भी आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये जो जितनी भी त्रुटियां हैं या जो सवाल हैं उनके जवाब तो बनते हैं और इन त्रुटियों को ख़त्म करना तो बनता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें।